तो दोस्तों मैं लेकर आया हूँ ये कैनवास बोर्ड 8x10 इंचेस का, और इसकी प्राइस है 60 रुपीज़। ये कैमलिन का है और हम इसे प्राइम करना सीखने वाले हैं, और इस वीडियो में हम कैनवास प्राइम कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो पहले इसका जो कवर होता है प्लास्टिक का वो हटा देते हैं। आपको इसके आवाज से ही पता चल ही गया होगा ये बहुत रफ है। तो ये एक्रेलिक वाइट हम यूज करने वाले हैं प्राइम करने के लिए। आप पूछेंगे एक्रेलिक वाइट ही क्यों, एक्रेलिक ही क्यों, आप जेसो क्यों नहीं यूज़ कर रहे? तो जेसो एक्रेलिक से ही बनता है, एक्रेलिक जो वाइट होता है उससे ही बनता है। तो हम एक्रेलिक यूज करेंगे तो और बेटर होगा, और एक्रेलिक ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोफेशनल होते हैं वो एक्रेलिक का ही यूज करते हैं, तो हम एक्रेलिक पेंट का यूज करेंगे। तो इसका नाम फैब्रिक नाम है इसका, और कंपनी कैमल है, और इसकी प्राइस 100 रुपीज़ है, आप ले सकते हो। अब मेरे पास ये बाउल है, इसके अंदर हम कलर मिक्स करेंगे, जो एक्रेलिक पेंट है वो मिक्स करेंगे। पर मिक्स किसके साथ? पानी के साथ। पानी है वो आधा चम्मच से भी कम है। और ये ब्रश इसे मिक्स करने के लिए। अब ये मैंने बाउल लिया और ये एक्रेलिक पेंट, अब इसमें हम ये डालेंगे। उससे पहले हम इसका ऊपर का ढक्कन खोल देते हैं। ये बाउल, इसके अंदर पानी, और ये कलर हम मिक्स करने वाले हैं। तो इसे ढक्कन हटा देता हूँ, और मैं अरे ये ऊपर का भी निकालना है। तो ये मैंने कलर डाल देता हूँ इसके अंदर। अब इसे हम मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर। जितना ज़्यादा थीन रहेगा ना उतना अच्छा होगा। थीन कलर ही क्योंकि कैनवास प्राइम करने का मतलब होता है कैनवास को स्मूथ करना। जब हम कैनवास लेते हैं, कैनवास बोर्ड लो या कैनवास रोल लो, तो उसे प्राइम करना जरूरी है क्योंकि वो पूरा रफ होता है, तो उसे स्मूथ बनाना उसके बाद ड्राइंग करना। तो ये स्टेप्स है। तो पहली स्टेप स्मूथ बनाने के लिए, हमें प्राइम करने के लिए फर्स्ट लेयर लगाना है, उसके बाद उसे सूखने देना है, और फिर सेकेंड उसे सूखने देना है, और फिर थर्ड। तो ये मैं पहली बार लगा रहा हूँ, पहला स्टेप है, तो इसे सूखने दूंगा। 3 hours later सूख गया, और इसे ये दूसरा वाला लगा रहा हूँ लेयर, दूसरा लेयर लगा रहा हूँ, इसे सूखने दूंगा। 3 months later वो सूखने के बाद फिर ये तीसरा वाला लेयर लगा रहा हूँ। ये लेयर लगाने का मतलब क्या है कि आपको उस लेयर सूखने के बाद ज्यादा स्मूथनेस प्रोवाइड होगी। 1 eternity later तो ये देखो कितना स्मूथ हो चुका है हमारा कैनवास। इसके ऊपर हम अब ड्राइंग करेंगे तो वो बहुत ही स्मूथ दिखाई देगा, रफ नहीं दिखाई देगा। तो ये टेक्निक यूज करो।